सत श्रीकाल जी सारों स्टडी ड्रीम मेकर इमीग्रेशन कोटवा यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों मेरे ते मेरी टीम का स्वागत है जी। दो तारीख तो अपना गल कर जा रहे हैं स्टडी स्टडी वीजा बारे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल्स आ रही ने कि काफ़ी सारे एजेंट्स ऐड कर रहे हैं स्टडी विदाउट आईलैस ये जेन्युइन है कि फेक काम। सो दोस्तों मैं थोड़ा इस वीडियो यही क्लीयर करना चाहता कि स्टडी विदाउट आईलैस कि जेन्युइन है। सो दोस्तों जो स्टडी वीजा अपलाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्टडी अपना स्टडी वीजा दिता तो स्टूडेंट्स का इंग्लिश का लैवल जरूर चैक करता, क्योंकि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो स्टूडेंट अपना फॉरन स्टडी कर जाना चाहते हैं तो उन्होंने स्टूडेंट्स की इंग्लिश प्रोफेसेंसी चैक करनी उस कंट्री की फर्ज बनता। सो दोस्तों जो अपना स्टडी वीजा अपलाई करना चाहते हैं स्टडी का तो थोड़ा इंग्लिश का लैवल वो कंट्री जरूर चैक करेगा। सो काफ़ी सारे स्पैसीफिक यूनिवर्सिटीज या स्पैसीफिक कोर्स विदाउट आईलैस स्टडी कर सकते हो। जो तुम बहुत वधिया बोर्ड स्टडी पास की हुई अपनी CBSE बोर्ड चो तो इंग्लिश के सब्जेक्ट रखे हुए हैं, अपनी 10th पास की हुई है, ग्रैजुएशन पास की हुई है इंग्लिश मीडियम के ना, तो विदाउट आईलैस स्टडी वीजा प्राप्त कर सकते हो। सो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ है स्पैसीफिक यूनिवर्सिटीज़ है जो स्टूडेंट्स को विदाउट आईलैस एडमिशन दे रही हैं, स्टूडेंट्स के वीजे बहुत वधिया आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स को यह चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने स्टडी वधिया बोर्ड तो पास की हुई है, उन्होंने इंग्लिश मार्क्स वधिया ने, उन्होंने सब्जेक्ट इंग्लिश पास किए हुए हैं तो वो स्टूडेंट्स को अपना स्टडी वीजा अपलाई करना चाहिए। जेकर किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल वीक है, उन्हें इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़िया होया, उन्हें ग्रैजुएशन इंग्लिश मीडियम नहीं हैगी है तो उन्होंने स्टूडेंट्स की खास ध्यान देने की जरूरत है कि उन्होंने स्टूडेंट्स ने अपना स्टडी वीजा अपलाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस कंट्री का इंग्लिश का लैवल चैक करना जरूरी है। इंग्लिश का लैवल चैक करने के बाद ही स्टडी वीजा दे सकते उस कंट्री। सो जेकर थोड़ी स्टडी इंग्लिश मीडियम पास की हुई है, थोड़े इंग्लिश सब्जेक्ट रखे हुए हैं कोर्स के, तो अपना स्टडी विदाउट आईलैस स्टडी वीजा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद जी।